ज्ञानपिशाचिदम्बरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पञ्चाब्दप्रकरुणस्य कृपासिन्धुकृपयैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय अङ्गश्यामले सदाशिवन्तु भक्ति प्रज्ञान कैशव स्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत को भी सत्मा पुष्पांजलि सर्वत प्रणाम पूर्वक और मेरे शिक्षा गुरु स्वामी महाराज जी के चरण मौलों में भी अनंत को दरबार पुष्पांजलि प्रदान करता हूं। श्री गुरु गौरांग ब्रह्माधिकार अधिकारी विनोद अधिकारी जी की कृपा से आज तक हम लोगों की ब्रजमंडल परिक्रमा निर्विघ्न रूप में और अच्छी तरह से संपादित हुई, विशेष करकर दीपावली और अन्नकूट का महोत्सव में बड़े धूमधाम गो पूजा ब्राह्मण वैष्णव पूजा गुरु पूजा इत्यादि के माध्यम से संपन्न हुआ। आज हमने बताया आज ही के दिन यशोदा जी ने कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांधा था और आज ही के दिन कृष्ण ने गिलाद पर्वत को धारण किया था। विशेष करके कृष्ण लीला के 4,500 वर्ष बीत जाने के बाद में माधवेंद्र कुल पाजी ने पीछे सेना जी का प्राशक्त कराया। वे हमारे संप्रदाय के भक्ति कल्प तरु के अंकु कहे जाते हैं। उन्हीं से सेना भक्ति लोगों के संप्रदाय में आरंभ हो गई है। इसको पीछे से सर्वताओं का गायन मन से धन्यवाद इसको प्रतिपादन करके बढ़ाया। आज माधवेंद्र पुरी पार्टी के संबंध में कुछ तीर्थ महाराज कुछ संक्षेप है। 15 मिनट का समय सभी को दे इसे सभी बोल सकते। 15 मिनट ओम वत्या रंगे राम निकले
सर्वप्रथम अश्वतीय परमाण शुद्ध मधुर पाष्पद परमेश्वर अशुद्ध सदस्य श्रीमति वेदांत बाबू स्वामी महाराज तथा ओमेश्वर अशुद्ध सदस्य श्रीमति वेदांत नारायण स्वामी महाराज महाराज जी के इसी चरण सरोज में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणति ज्ञापन करता तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी गणों समस्त वैष्णव जन समस्त सज्जनों माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। आज बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज बड़ी सुचारू ढंग से और गुरु जी के सान्निध्य में ही हम सभी लोग श्री अन्नकूट महामहोत्सव में शामिल होने के लिए सौभाग्य प्राप्त किए। यह अन्नकूट महोत्सव केवल आज तक भगवान कृष्ण ने जैसे नंद बाबा से कह करके गिरिराज की पूजा कराई उनका मान वर्धन किया इसी तरह से ब्रज में तो उस समय से ही चलता रहा परंतु परवर्ती काल में श्री माधवेंद्र कृपा जबकि कृष्ण के अंतर्धान होने के पश्चात एक प्रकार से ब्रजभूमि लुप्त प्राय जबकि बजनाव के आए सुरसेन देश के राजा बने तब उन्होंने ब्रजभूमि को पुनः विकास किया गांव से शहरों से लीलाओं से संबंधित करके सभी गांवों से जोड़ दिया बड़े बड़े मंदिर बनवाए विग्रह की स्थापना की और उन लोगों का निर्माण किया इसी प्रकार से ब्रजभूमि को पुनः विकसित किया था। कालक्रम से बहुत समय अतिवाहित होने के पश्चात जवनों के अत्याचार के कारण प्राय करके लुप्त होता सा चला गया जैसे कि ब्रज के गोपाल श्रीनाथ जी जो गोपाल जी जो वे स्वयं कहते हैं बज्रेन स्थापित अभी यहाँ अधिकारी गिरिराज गोवर्धन में वे बजनाव के द्वारा स्थापित और यहाँ के अधिकारी अंदर गांव में जतिपुरा में जो कि श्री माधवेंद्र परिवार बंगाल से ही आए इनका जन्म स्थान प्राय करके बंगाल ही लगता है जो कि दक्षिण में जाकर के लक्ष्मीपति तीर्थ से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उनसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और सन्यासी बन करके अविचल वृत्ति के साथ जो कि अयाचित वृत्ति कभी किसी से कुछ भी मांग के खाते नहीं थे किसी से कुछ मांगते नहीं बोलते नहीं कभी कुछ मिल जाए भगवत इच्छा से आकाश वृत्ति से जो कुछ भी मिले उसी से ही आपका जीवन निर्वाह करना आपका खाना पीना इस प्रकार निष्किंचन वृत्ति को अवलंबन करने वाले श्री माधवेंद्र कृपा जो प्रेम भक्ति के अनुकूल है और श्री चैतन्य महाप्रभु जी से कुछ पूर्ववर्ती माधवेंद्र कृपा जी यहाँ आए ब्रज में और आज जबकि उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाई परिक्रमा लगाते हुए गोविंद कुंड में आकर के बैठे शाम का समय एक गोपाल आकर के ब्रज बालक आकर के बोले बाबा बाबा ब्रज में हमारे ब्रज में यहाँ कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है कोई न कोई कुछ न कुछ मांग के खा पी लेते हैं तो आपने क्यों नहीं मांगा और क्यों नहीं खाया भूखे प्यासे कैसे बैठे मेरी भैया ने ये दूध भेज दिया दो ये दूध पी लेना लोटा रख देना मेरा बहुत सारा काम है अभी जा रहा हूँ पीछे ले जाऊंगा इतना कह करके दूध का लोटा दे करके तो चले गए पर माधवेंद्र कृपा जी का मान जीवन भर जिनका मान कभी विचलित नहीं हुआ पर किसी में भी आकर्षित नहीं हुआ परंतु उस बालक के मधुर वचनों ने उनको आकर्षित कर लिया बार बार उन्हीं की चिंता में खोए रहे इसी तरह से दूध तो पी लिया उन्हें चिंता करते करते उसी समय झपकी भी आ गई कंधा आते ही पेड़ के नीचे वहीं सो गए और सोते ही देखा कि वही बालक आए आकर के बोले की माधवपुरी तुम्हार लगी बहुदिन करी प्रतीक्षा कभी आशी माधव बोले परिवे सेवा हे माधवपुरी तुम्हारे लिए मैं बहुत दिनों का प्रतीक्षा
इस प्रकार भूखा प्यासा ऐसे प्रार्थना हो तो मुझे उठा उठा करके मेरी सेवा। इस प्रकार जैसे ही आज्ञा भूली और उन्होंने रात को स्वप्न में ही सारा के सार सब दिखा दिया, कौन से स्थान पर कहाँ पर है। सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों को बुलाया, बुला करके वहाँ के जंगल झाड़ी साफ करके धीरे धीरे मिट्टी खोद करके गोपाल जी को प्रकट कर ली। सभी जय जयकार कहने लगे। गोपाल जी प्रकट हुए, बड़े आनंद बड़ी खुशी की बात। गोविंद कुंड के पानी से पहले धोधार करके कीचड़ मिट्टी हटाया, साफ किया। इसके बाद जितने भी ब्रजवासी हैं सभी लोग अपने घर से दूध दही मक्खन और खाने पीने का जो कुछ भी बना हुआ सामान मिला सब कुछ लाए। ला करके पहले ही तो अभिषेक किया गिरिराजी पर। अभिषेक करते हुए फिर अन्नकूट छप्पन भोग लगा दिए। सभी भोग लगाए तो गोपाल जी साक्षात रूप में प्रकट हो करके स्वयं भोजन कर रहे हैं, जबकि श्री माधवेन्द्र गोपाल जी स्वयं कीरत अनुभव करते हैं। और प्रतिदिन जो जहाँ से सुनते हैं प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव होता है। मथुरा लोग सब बड़े बड़े धनी बड़े बड़े धनी मानी सभी लोग आते हैं, बोले गोपाल जी प्रकट हुए चलो अन्नकूट करना है। सभी की ओर से एक बरस तक अन्नकूट उत्सव होता चला। इसके पश्चात श्री माधवेन्द्र गोपाल जी कुछ ब्राह्मण शिष्यों को जोगी मंत्र इत्यादि दे करके उनको पूजा में लगाया। और गोपाल जी बोले कि मुझे गर्मी लग रही है, चंदन थोड़ा सा लगाए तो मेरा शरीर शीतल और ठंडा था, बहुत गर्मी लग रहा था। तो उस समय माधवेन्द्र गोपाल जी उन शिष्यों को वहाँ सेवा पूजा में नियुक्त करके वे गए बंगाल होते हुए बालेश्वर जिला हो करके रेमुनाथपुरी। रास्ते में जाते समय रेमुना में जो कि गोपीनाथ जी है, भगवान श्री राम ने स्वयं ही मूर्ति को प्रकट करा करके कृष्ण स्वरूप को दिख रहा था सीता जी को। वही स्वरूप जो कि स्वयं ही श्री राम ने प्रकट किया था, वही मूर्ति जो गोपीनाथ जी काफी पुराने समय से सेवा पूजा चलती आ रही थी, वहाँ की सेवा पूजा की कुछ विशेष व्यवस्था है, वहाँ एक विशेष प्रकार का खीर भोग लगता है। उन्होंने पुजारियों से सारा पता लगाया, जानकारी हुई, पर मनी मन इच्छा बनाए रखी कि वो खीर कैसे बनता है एक बार यदि इसका अनुभव करे तब वैसे ही बना करके गोपाल जी को भोग लगा। तो मन में इच्छा रही पर बोले नहीं। जैसे ही वे बाहर निकल करके बाजार में जा करके बैठ गए, रात का समय दुकानें बंद है, बाहर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे वहाँ लेट गए। और रात को भगवान को जब भोग लगा गोपीनाथ जी को तो गोपीनाथ जी ने 12 बर्तनों में से एक बर्तन खीर स्वयं उठा करके पीछे की तरफ रख लिया। रख करके रात को जब पुजारी सोए उस समय गोपीनाथ जी जा करके पुजारी से बोले कि पुजारी जी उठो उठो, मेरा ये भक्त माधवपुरी नाम बाजार में बैठे थे, मैंने उनके लिए एक बर्तन खीर छिपा के रखा मेरे पीछे की तरफ है, तुम उसे लेकर के जाओ और उनको देकर के आओ। जैसे भगवान की आज्ञा हुई उस समय पुजारी जी चल दिए, जाकर के देखा सचमुच खीर का बर्तन, उसे लेकर के माधवपुरी माधवपुरी बोलते हुए चले। बाजार में मिल गए अकेले श्री माधवेन्द्र गोपाल जी, उनके हाथ में खीर दे करके साष्टांग प्रणाम किया। धन्य है महान, आप कैसे कितने बड़े महान पुरुष हैं, आपकी सेवा हम नहीं कर पाए परंतु भगवान स्वयं आज हमें भी गया दर्शन दिया और बोले कि जाओ ये खीर मैंने छिपा के रखा उठा के और इस माधवेन्द्र गोपाल जी को दिया, आपके लिए भगवान ने खीर चुराया। और ऐसे भक्त भगवान आप धन्य हैं महान गुरु, आपके चरणों में सत सत प्रणाम, साष्टांग होकर के गिर पड़े, उनकी कृपा लेकर के वे पुजारी को लौट गया। माधवेन्द्र गोपाल जी ने उसे ग्रहण किया, खीर खाया, बर्तन को कपड़े में बांधा और रात्रि रात वहाँ से चले। प्रतिष्ठा भजपुरी जाय पलाइया, प्रतिष्ठा के डर से माधवेन्द्र गोपाल जी उस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, परंतु प्रतिष्ठा कहाँ छोड़ती, हवा के
का भिक्षा मांगने लगे। इस प्रकार वे जब जगन्नाथपुरी गए तो उनका बड़ा स्वागत हुआ और बड़े अभिनंदन किया। तो उस समय उन्होंने कहा है श्री भगवान की आज्ञा है, हमें कुछ चंदन चाहिए। तो वहां के पंडित पुजारियों ने काफी सारा चंदन दिया और कोई लोग दे करके ले आए। जबकि गोपीनाथ जी में आए तब गोपीनाथ गोपाल जी ने उन्हें दर्शन दिया, बोलेगी यही पर आप चंदन लगाए तो हमें मिल जाएगा। इस समय गर्मी का समय है, ये उपयुक्त समय आप यही लगाए। तब से एक महीने बाद श्री गोपीनाथ जी को माधवेंद्र गोपाल जी ने चंदन लगाया, चंदन की सेवा। इस प्रकार से माधवेंद्र गोपाल जो की दिवारात राधा कृष्ण के विरह विप्रलम्ब भय प्रेम में डूबे रहते हैं, जो कि श्री माधवेंद्र गोपाल जी एक श्लोक का कीर्तन करते थे, इस प्रकार के वचन लिख दिया कविराज गोस्वामी पाद ने। जहाँ इतने बड़े बड़े महान और गोस्वामी लोग सभी बैठे और फिर भी ऐसे लिख रहे हैं, ये श्लोक राधा जी के वचनामृत जो कि उद्गार है। विरह में भी प्रलम्ब में जब कृष्ण द्वारका में माधुर विरह कातरा विश्वभर नंदनी राधा रानी उन्माद में वृंदावन के किसी निभृत कानन में एकांत में बैठी हुई कृष्ण के विरह में अभी उस समय कोई भी पास में नहीं। ऐसे समय में कृष्ण चिंता में विमुख हो करके विकल हो करके रोती है, अरे तेरा दया करना, हे दिनों के प्रति दया करने वाले, हे रात हम जैसे और दिनहीन कौन होगा। इस प्रकार राधा जी अतिशय दिनहीन भाव से विरह में कातर हो करके रोती, हे मथुरा नाथ कभी भावांतर होने पर। उस समय राधा जी कहती है कि हे मथुरा नाथ, यदि वृंदावन नाथ होते तो अवश्य आप लौट के आते, अब तो आप मथुरा नाथ हैं। मैं किस प्रकार कौन से दावी करूं, कौन सा दावा करूं, कोई अधिकार नहीं रहा, अब तो कोई भी अधिकार नहीं, क्या करूं। हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से, क्या कभी जीवन में, इस जीवन में कभी भी किसी क्षण कभी दर्शन मिलेगा। हृदय तदालो तथा हे दैत हे प्रिय, जो ऊपर से प्रिय बनने वाले पर अंदर से चक्र चलाने वाले, हे दैत हे प्रिय किम करो मैं अहम। इस समय मेरी बुद्धि हमित हो गई, अब मैं क्या करूं, इस प्रकार घोषित हो जाती। ऐसे समय में गिर्द विद में जो की कोई एक सखी दुर्रूपा सखी वहां बैठे हुए राधा जी को प्रबोध, ऐसे ऐसे भावना पर्श को जो की श्री माधवेंद्र पूरी बात इसी का विवाहत वर्ण करते हुए आस्वादन करते हैं और दीवार होते रहते। अंत में रामचंद्रपुरी नाम के एक जनित शिष्य जो कि उनके शिष्य
थे और वे कुछ दुष्टों के दूसरों के संग में पड़ करके मायावादियों के सम्मिश्रण में आ गए। आकर के अंतिम समय में गुरु जी से बोले कि गुरु जी आप क्यों रो रहे हैं, क्यों इतना विरह में कष्ट पा रहे हैं आप, सो हम ब्रह्मास्मि चिंतन करें। उस समय गुरु जी बिगड़ करके बोले कि यहाँ से निकल जाओ बाहर, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। इस प्रकार श्री माधवेंद्र कृपा जो कि राधा कृष्ण के विरह में प्रलंब भाव के मूर्ति स्वरूप है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस श्लोक का आस्वादन करते हुए वे मूर्छित हो जाया करते, दिव्य उन्माद में प्रेम मार कवि प्रलाभमय ब्रह्ममय चेष्टा सदा प्रलाभमय ब्रह्ममय चेष्टा प्रलाभमय वचन। इस प्रकार महाप्रभु जी भी हमें हाल उदास करते और गंभीर में पछाड़ खा करके गिरते। कभी दैनल कभी निर्वेद कभी विषाद कभी हर्षण विचित्र प्रकार के भावों का उदय होता। ऐसे महाप्रभु जी जो कि राधा जी के विरह में प्रलंब भाव उस भाव के गहन समुद्र में कहां खो गए। आज तक विश्व के बड़े बड़े महामानव महामनीषी उनको पता लगाने के लिए ढूंढते चले गए, कोई खोज नहीं मिला। इस प्रकार महान गंभीर भावों के महान अधिकारी श्री माधवेंद्र कृपा जी जिस समय हम लोग गुरु जी के पास में होते थे उस समय श्री बावन स्वामी महाराज में भी किसी श्लोक को बार बार कहा करते हम लोगों को सुनाया करते। इस प्रकार विरह विप्रलम मनस के महाधनी आज हम लोग जो कि गिरिराज के कटक प्रांत में कुंज कुटीर निवासी श्री गिरधारी गौड़ीय मठ में जो हम लोगों के परमारत तमस्य महाराज जी श्री गुरु जी आज यहाँ विराजमान है, उनके चरण सामने जमीन शिव रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन के कटक प्रांत के कुंज कुटीर निवासी राधा कृष्ण के विप्रलंब रस के महाधनी ऐसे महान पुरुषों के चरणों में बैठने का आने का यह अशेष अशेष जन्म का जो सौभाग्य है इसी कारण आप सभी को हम नमन करते हैं और इन्हीं कथाओं के साथ मैं आज अपना
honors you, Sri Guru and Sri Gauranga. We have come here to the side of Sri Miniraj Govardhan on this most auspicious Anakut Mahamahotsav Festival Day to hear the glories of Sri Giriraj Govardhan Garna Leela, and also, as we have just heard from Pujapa Tirtha Maharaj, the glories of the great devotee of Krishna in our disciplic succession, our Gauriya Guru Parampara, the Param Gurudev of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Madhavendra Pulipar. So as Tirtha Maharaj described, after the time of Lord Krishna, after he had performed his leelas 5,000 years ago here in this land of Brajbhumi, then shortly thereafter, the great grandson of Krishna, Maharaj Vajranava, he came here to this area and he ruled over this area, and under the guidance of Shandilya Rishi, he excavated the places of Krishna's pastimes. He constructed so many kundas, so many ponds, all throughout Brajmandala, and also he established so many deities, very beautiful deities he had carved and installed in all throughout various temples here in Brajmandala. But in course of time, the whole Brajbhumi, after 4,500 years, Brajbhumi had become withdrawn. And these places were also lost and forgotten. It is described in Sri Chaitanya Charitamritam that after Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas from Kesha Bharati and he began his journey towards Sri Jagannath Puri, along the way, Sri Nityananda Prabhu and a couple of other intimate bhaktas accompanied him, and they came to the place of Remuna. And there, in Remuna, is the deity of Kir Chor Gopinath that we just heard Tirtha Maharaj explaining. The deity of Gopinathji, who stole the pot of sweet rice. So when Chaitanya Mahaprabhu was dancing in front of the deity, he was in great ecstasy, and he wanted to hear the pastimes of Sri Madhavendra Puripad. So at that place, Sri Nityananda Prabhu himself narrated this beautiful story about Madhavendra Puri. And Nityananda Prabhu explained that Sri Madhavendra Puri, he used to wander everywhere here in Braja. Madhavendra Puripad was actually the original seed of these moods of separation, Vipralambha Bhav, which later on Sri Chaitanya Mahaprabhu would completely manifest in this world. Madhavendra Puripad was so deeply absorbed in the moods of separation from Radha and Krishna, and he used to wander here everywhere in Braja. So nearby, on our parikrama the other day, we went to the village of Jatipur, and Madhavendra Puripad used to live in that area. And once when he was near to Govinda Kunda, Madhavendra Puripad was performing his bhajan. And generally Madhavendra Puri would not accept, he would not go begging for any foodstuffs anywhere. Simply, he would completely depend upon Krishna, and only he would accept what someone came and offered to him. So Madhavendra Puri was one day sitting there and doing his bhajan. Thank you. Hi.
अभी के लिए यशोदा मैया ने अपने प्रेम वास्तविक प्रेम रज्जू से कृष्ण को बांधा था, ऐसे कृष्ण को जिसका अंतर बाहर भीतर कुछ भी नहीं है, जिसके उदर में सारा कोटि कोटि चीज को स्मार्ट है, ऐसे कृष्ण को यशोदा मैया ने अपने वासल प्रेम के द्वारा बांधा था। अभी के दिन कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, आदि के दिन में गोप गोपियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर जो कृष्ण के भक्त हैं और किसी देवता देवी का पूजन न करें, सबको सम्मान दे प्रणाम करें, पूजन एकमात्र राधा कृष्ण का होना चाहिए, इसलिए उनकी पूजा बंद करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा है। गोवर्धन एक पत्थर नहीं है, करोड़ों लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, नहीं तो इतने करोड़ों लोग आते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं, मनोती करते हैं, क्यों? यहां तक कि ब्रज में कृष्ण से कोई कुछ नहीं मांगता, कृष्ण के सुखी होने के लिए सारे ब्रजवासी लोग गिरिराज से प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। आदि के दिन में माधवेंद्रपुरी पार्ले इसी महीने में कार्तिक के महीने में गिरिराज की तलहटी से श्रीनाथ जी को प्रकट किया, जो आजकल चले गए हैं, नाथद्वार में चले गए हैं। तो इसी महीने में रास आरंभ हुआ पूर्णिमा दुबई, इसी महीने में अक्रूर कृष्ण और बलदेव को मथुरा से ब्रज से मथुरा में लिया, इसी महीने कंस को उन्होंने मारा, इसी महीने में गोपाष्टमी आती है, कृष्ण को चारण के दिए गए, वत्स चारण के दिए गए, इसलिए ये महीना कार्तिक महीना कहलाता है, इसकी अध्यक्षता थी देवी राधिका जी ने। इसमें राधा गोविंद जी का राधा दामोदर जी की पूजा करने से अखिल कामनाओं की सिद्धि हुई। तो आज के दिन में बड़ी खुशी की बात है कि आज जियंता है ये भक्त है, इनकी पत्नी भी बड़ी भक्त है, वैष्णव ग्रंथों का आदर करते हैं, और सौभाग्य है कि मथुरा को इस समय में ऐसे जीए मिले हैं परम भक्त, उनके द्वारा मथुरा में बहुत काम होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मथुरा में और इसे विकास यहाँ का हो। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट भी शायद आए हुए हैं, आपको भी धन्यवाद है, आपके साथ ये जो आए हैं सबका धन्यवाद है। मैंने कहा था उनकी पत्नी से जो बेटी सवेरे आना यहाँ पर भेजना, कैसे हजारों विदेशों से देश विदेश से आए हैं, 3-4 हजार भक्तों, और गिरिराज जी का कैसे हमने पूजन किया, गिरिराज जी की तलहटी में गए, गिरिराज जी को उनकी पूजा की, वो पूजा की, और सब विधिवत वैदिक कार्य मंदिरों में अंतत देख भी हो। Thank you.
बातें आप लोगों को बतलाऊं। हम लोग ब्रह्म बाघ गौड़ वैष्णव संप्रदाय में है। इसमें कलयुग में ब्रह्म संप्रदाय में आनंद के मध्वाचार्य हैं, वे आचार्य उन्होंने मायावाद का खंडन किया। उसी संप्रदाय में जितने सन्यासी हुए हैं सभी तीर्थ हैं। उसी संप्रदाय के अंतर्गत गया में एक मध्य संप्रदाय की गलती है जो उत्तराखी मठ के नाम से माधवेन्द्र तुलपा जी वहीं पर थे। वहां राधे के भी भ्रमण करते थे 8 वर्ष और वे नित्यानंद प्रभु जी आपकी लक्ष्मी पति तीर्थ के साथ भ्रमण कर रहे थे तो पंढरपुर में माधवेन्द्रपुरी पार्टी मिले। माधवेन्द्रपुरी पार्टी इनका प्रेम नित्यानंद प्रभु जी इनका प्रेम देखकर यद्यपि वो लक्ष्मी पति के शिष्य थे किंतु इनको अपना शिक्षा गुरु है माधवेन्द्रपुरी पार्टी। और कुछ कुछ समय इनके साथ में भी थे। माधवेन्द्रपुरी का जिससे संपर्क हुआ वो प्रेम में डूब गया। जब महाप्रभु जी मथुरा में आए तो एक ब्राह्मण को उन्होंने नृत्य करते समावेश में देखा। कहे तुम कौन है बिना माधवेन्द्रपुरी के संपर्क में आए हुए? ऐसा कभी संभव तो ये माधवेन्द्रपुरी पार्टी उत्तराखंड मठ के संरक्षक थे। जब इन्होंने संन्यास लेना चाहा मध्य संप्रदाय के लोगों ने उत्तर भारतीय लोगों को संन्यास नहीं देना चाहिए तो उन्होंने एक अद्वैत वादी सन्यासी से पूरी नाम का उससे संन्यास लिया। जैसे हमारे मथाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अद्वैत वादी से ही संन्यास लिया किंतु अद्वैत वादी नहीं हुए। उसी प्रकार से माधवेन्द्रपुरी पार्टी ने संन्यास लेकर के पुरी के नाम से विख्यात और अभी भी उत्तराखंड मठ अभी गया में है यहां भी वो भजन करते। आपको संक्षेप में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भक्ति कल्पनाता के ये अंकुर थे। केवल यही नहीं अद्वैताचार माधवेन्द्रपुरी पाद के शिष्य थे। कुंडलिक विद्यानिधि उनके शिष्य थे। हमारे और भी संप्रदाय के जो आचार्य हैं सब माधवेन्द्रपुरी पाद से संबंधित होने के कारण इतना प्रेमी है नहीं तो संभव नहीं होता। तो आज माधवेन्द्रपुरी जी का अन्नकूट उत्सव है इसलिए उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के अंदर आप लोगों के अंदर सभी के अंदर में वैसी प्रेम भक्ति जागृत। अभी रहा होने वाला है और ट्रांसलेशन गुरुदेव गोविंद चंद्र नारायण कृष्ण कृष्ण।
spend a moment on it. Today, we celebrated our Anukut Mahotsav, and last night we celebrated Deepavali. Today we worship Gurudev, the Brahmins, and the cows. In this month of Kartik, Madhusudan found Krishna by the rope of her friend. And in this month, Sri Madhavendra Puri is re-established the worship of Srinathji or Gopal. Hey, it's only a little quiet, Sri Madhavendra Puri is the sprout of the desired wish fulfilling tree of Raja Prem. And after him, that Prem was carried forward by Swarup Damodara and other Gaudiya Acharyas. In this month, all the Vrijavasis began to worship Indra. But Krishna does not like that. We give pranam, we give respect to all, but only seva is for Radha and Krishna. Therefore, this Giridhar Govardhan is not a stone. Otherwise, how hundreds of thousands of persons have come here for parikrama? And he fulfills the desires of all. In Vrindavan, the Vrijavasis never ask Krishna for anything. Instead, all the Vrijavasis worship Giridhar for the happiness of Krishna. Therefore, Madhavendra Puri manifests Srinathji. And after that, Srinathji went to Nathwa in Rajasthan. In this month of Kartik, the main pastimes of Krishna took place, like the Ras Lila festival. In this month, Akrura took Krishna and Balaram to Mathura. In this month, Kamsa was killed by Krishna. And in this month, Krishna began his activities of cow grazing on Gopastami. Therefore, the presiding deity of this month is Radharani, and the devotees by worshipping Radha Damodara and Radha Krishna have all their desires fulfilled. So one person came, that was the district magistrate and the city magistrate. Recently, he is a very good devotee and many nice works he has done here in Mathura. So he really said, we pray to Krishna that he can stay here for a long time. So we are members of the Brahmanaka Gaudiya Sampradaya. Therefore, Sri Madhvacharya, he is one of the main pillars of our Sampradaya in Kali Yuga. Therefore, he practically destroyed Mayavad conception in all India. All the sannyasis from the Madhva Sampradaya have taken the name Tirtha. Therefore, these months are everywhere, 8 main months. One month is called Ujjaranji month, there in Gaya. Srimadhavendra Puri was from around there. So, when he wanted to take sannyas, at that time Madhva Sampradaya were not giving sannyas to those from northern India. So Srimadhavendra Puri took sannyas from a nearby Advaitavadi, and therefore he took the name Puri. But actually Madhavendra Puri was never Mayavadi. Just like Madhvacharya also took sannyas from an Advaitavadi, but he is not a Mayavadi. Therefore, Nityananda, who went all around India in the association of his guru, Lakshmipati Tirtha, in Padalpur, in Maharashtra, Nityananda met with Sri Madhavendra Puri. Nityananda, when he saw Sri Madhavendra Puri drowned in the ocean of Prem, then Nityananda's guru is Lakshmipati Tirtha. But Sri Nityananda accepts Sri Madhavendra Puri as his Shiksha Guru. When Chaitanya Mahaprabhu came to Mathura, he saw one Brahmin dancing in case the old Kesavji, but therefore he became astonished, and Mahaprabhu said, you must be related to Madhavendra Puri, because without Madhavendra Puri no one can have Raja Prem in this world. Therefore he is the sprout, the beginning of Raja Prem in this world. Therefore, he is very major Acharya. Even such great devotees like Sri Advaita Acharya and Pundari Vidhini and other many Gaudiya Acharyas took initiation from Sri Madhavendra Puri. Madhavendra Puri Pad Ki! Giriraj Maharaj Ki! Now,
Now it's drama. Krishna Hari Rama, prepare for drama. Yes, yesterday initiations were held. I continue where we left yesterday with the names. The last name was Ayana Veera Hilly from Australia. She called Anuradha Devi Dasi. Pratima Rai from Nepal. Same name, Pratima Devi Dasi. Neva Rani Sutradhar from Fulbari district. Neva Rani Devi Dasi receiving Harinama Diksha. Irina Levina from Russia has received Harinam. New names in Vira Devi Dasi. Yananti Dev Dasi from Russia receiving Diksha yesterday. Same name, Yananti Devi Dasi. Ananda Mohan Das Prabhu from Russia receiving Diksha. Same name. Sarshi Devi Dasi from Armenia, receiving Diksha, same name. Karupriya Devi Dasi, from Russia, receiving Diksha, same name. Karupriya Devi Dasi. Vivia Girulai Kien, from Lithuania, receiving Harimana, new name, Vidasi Devi Dasi. Rupa Hati Dasi, from Lithuania, receiving Diksha, same name. Indu Mohan Das from Russia receiving Diksha, same name, Indu Mohan. Kalindi Dasi from Russia receiving Diksha, same name, Kalindi Dasi. Madhushudana Das Prabhu from Russia receiving Harinama Diksha, same name, Madhushudana Prabhu. Radharani Devi Dasi from Russia receiving Harinama Diksha, same name. Nantisa Kalubina from Russia receiving Harinama Diksha, new name Kalabati Devi Dasi. Palika Dasi from Russia receiving Diksha, same name. Sudevi Dasi from Germany receiving Diksha, same name. Chaitanya Mangala Das receiving Diksha from Brazil. Chaitanya Das from Mangala Das. Raman Hansan from Australia receiving Harinama. Raman Das from Nava Latika Devi Dasi from Brazil receiving Diksha. Same name. Jayanti Dasi from Los Angeles receiving Diksha. Same name. Also the word is... There is one doctor very expert in homeopathy who will be every evening after the class near the gates giving consults for the devotees. After class, every day, near the gate, there is one little office where the doctor will sit. Yes, it is his office. Also today, one devotee left his kurta, a blue kurta, in the men's bathroom, in the Brahmachari quarters. In the kurta was 1,000 rupees. This devotee is coming from Bangalore. He is not so wealthy. Whoever found the kurta, blue color. Did he deposit it? Okay, it was already found. With 1,000 rupees. Hare Krishna, now we are ready for the Narayana. Come on, go.
Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Rama, Swami, Hare Rama. Hare Krishna. Aaj Annapurna Mahotsav ke upalakshya mein Delhi se aur idhar udhar se bahut sare bhakt aaye hain. Delhi Bharat ki rajdhani hai. Bharat ki rajdhani mein Bhagwan hamare Guru Maharaj ne jinki jaane par Bihari Gaudiya Math ki sthapna karke hamare Gaudiya Math ki rajdhani sthapit ki hui hai. Aur 8-9 tarikh ka uska varshik mahotsav hai. Maine bahut logo ko card dene ki koshish ki hai. Jinko nahi mile hai wo yaad rakhe hamare janak Gaudi Chairman Bihari Gaudiya Math ke 8-9 tarikh ko varshik